केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, साथ ही महंगे टोल टैक्स से जल्दी ही राहत की बात कही। नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। अभी हमारे साथ हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, एक सवाल है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए आपने बताया कि वेटिंग लिस्ट तो है, लेकिन जिस तरह से वो महंगी है, एक आम लोगों के लिए लगता है कि वो खरीदना अफोर्डेबल नहीं है। आपको नहीं लगता कि इसके रेट और कम हो, जिसके लिए सरकार कोशिश करे तो लोग भी उसको आराम से खरीद सके अफोर्डेबल प्राइस में? देखिए, लिथियम आयन बैटरी की कीमत उसमें सबसे ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ $150 पर किलोवाट अब बैटरी की कीमत थी, अब वो 115 और अब 100 तक आने की संभावना है। जिस दिन वो 100 तक आएगी, उस दिन पेट्रोल कार और इथेनॉल अपना इलेक्ट्रिक कार की कीमत सेम होगी। ये वॉल्यूम का गेम है जी। जितने बड़े प्रमाण पर यह संख्या बढ़ेगी, उतनी कॉस्ट कम होगी। आपको याद है हमारे देश में मोबाइल फ़ोन आया था तो उसकी कीमत 1.25 लाख रुपए थी, अब कितने में मिलता है? 2,500 रुपये में। हमारे कोई भी चीज़ जब पहले आती है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जब नंबर बढ़ता है तो कम हो जाती है। मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमत डीजल पेट्रोल के वाहनों के बराबरी में। एक शिकायत है लोगों की कि टोल टैक्स, मतलब आपने आसान तो कर दिया, सड़कों को आसान कर दिया, दूरियां कम कर दी, लेकिन टोल टैक्स से लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि गडकरी जी एक हाथ से तो लोगों को थोड़ा फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ से जो है वो ले भी ले रहे हैं, क्योंकि टोल टैक्स बहुत महंगा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अभी डेहराडून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अगर आप 2 घंटे में जाओगे तो आपका पेट्रोल नहीं बचेगा, डीजल नहीं बचेगा, आपका समय नहीं बचेगा। अब मैं आपको कहूँ, मैं मार्केट से कर्जा लेकर पैसा खड़ा करता हूँ, क्योंकि सरकार की बजट की मर्यादा है। मैं इतना बड़ा काम इसलिए करता हूँ, हम पैसे कर्जे से उठाते हैं ब्याज के साथ, अब उसको वापस भी करना है और उसमें लोगों का सेविंग भी है। अब मुझे बताओ, दिल्ली से मुंबई एक ट्रक चलता था, उसको 52 घंटे लगते थे, अब वो मुश्किल से महीने भर में 6-7 ट्रिप करता था, अब 10 ट्रिपें करेगा। अगर 4 ट्रिपें बढ़ेगी तो उसकी कमाई नहीं बढ़ेगी, फ्यूल कम होगा। पहले उसकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर थी, अब वो 80 किलोमीटर जाएगी तो नेचुरली 18 घंटे में जाएगा, 20 घंटे में जाएगा, तो नेचुरली कॉस्ट कम होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। सर, एक सवाल है पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से पार्लियामेंट का बायकॉट किया विपक्षी पार्टियों ने, आपको लगता है ये जायज़ है? क्योंकि नया संसद भवन था, उस पर सियासत होना, ये आपको ठीक लगता है? मुझे नहीं लगता, एक्चुअली ठीक नहीं लगता। देखिए, हमारा संसद लोकतंत्र का मंदिर है और हमारी लोकतंत्र जो है वो लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, जुडिशियरी और मीडिया, ये 4 स्तंभों पर खड़ा है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, कोई पार्टी का कार्यालय नहीं था। और इसका नए भवन का निर्माण, उद्घाटन, ये लोकतंत्र का गौरव था, लोकतंत्र का उत्सव था, इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में सभी राजनीतिक पार्टियों ने शामिल होना चाहिए था, यही मेरी अपेक्षा है। हम सब लोग मिलकर, हमारे में मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि मतभेद चलेंगे पर मनभेद नहीं होने चाहिए। हम सब लोग मिलकर, हमारे विचार कुछ भी हो, हम लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के मंदिर का गरिमा कायम रखें, हमारी संसद का, और लोकतंत्र हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो मुझे लगता है इस लोकतंत्र की रक्षा करना ही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। विपक्ष ने भी सहयोग करना चाहिए, यही मेरा उनसे अनुरोध है। आपने पहले भी कहा कि सियासत का अंदाज़ आपका अलग है, देखने का नज़रिया अलग है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश जाते हैं और देश के बारे में बयान देते हैं, आपको लगता है कि ये जायज़ है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से बयानबाजी विदेश की धरती पे जाकर? देखो, उन्होंने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए उनका अधिकार है। मैं ये मानता हूँ कि हमें लोगों ने चुन कर दिया और मोदी जी के नेतृत्व में हमने 9 साल में किया हुआ काम का लेखा जोखा आपके पास हमने दिया,
मैं ये मानता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट बहुत इम्पोर्टेंट है जी, पर फाइनेंशियल ऑडिट से परफॉर्मेंस ऑडिट इम्पोर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे परफॉर्मेंस ऑडिट के आधार पर पॉजिटिविटी के साथ हम जनता के सामने जाएंगे और हमारे किए हुए काम पर परफॉर्मेंस पर जनता को वोट मांगेंगे और 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से जनता हमको आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल सर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट है वो सामने है, आने वाले वक्त में राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और फिर लोकसभा, आपको लगता है कि पार्टी कर्नाटक से सबक लेते हुए यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी और जिस तरह से आप जिस तरह से काम पे लगे हुए हैं उस पर मुहर लगेगी? मुझे लगता है कि आने वाले इन राज्यों के जो चुनाव हैं इसमें निश्चित रूप से हमको विजय मिलेगा। राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय विषय कम होते हैं, राज्यों के विषयों की भी चर्चा बहुत होती है, पर मेरा विश्वास है कि आने वाले जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं जो जो काम भारत सरकार ने किया है उसके आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इन राज्यों में हम सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास। 2024 में निश्चित रूप से हम जीतेंगे, हम पूरी अच्छी मेजोरिटी लेकर चुनकर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। गडकरी जी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लोग परेशान हैं, आपने एक अल्टरनेटिव फ्यूल का ऑप्शन लोगों को दिखा दिया है, सुझा दिया है, आपको लगता है कि जो इस मिशन में आप लगे थे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बाजार में अब है, बाकी आपके पास हाइड्रो फ्यूल का कार भी है, इथेनॉल बेस्ड भी फ्यूल आ चुका है, तो ये जो आपने एक सपना देखा था एक मिशन के तौर पर, आपको लगता है कि अब जमीन पर उतर रहा है धीरे धीरे, आगे कहाँ तक जा पाएगा? काफ़ी उतरा है जी, अभी हमारे पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाला जाता है जी, इथेनॉल का रेट 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये, हमारी सरकार को इसमें 40,000 करोड़ की बचत हुई और पोल्यूशन कम हुआ। दूसरी बात ऐसी है कि इथेनॉल पहले मोलाइसिस शीरा जिसको बोलते उससे बनता था, शुगर केन गन्ने से, अब इथेनॉल मक्के से बन रहा है, ब्रोकन राइस से बन रहा है, बायोमास से बन रहा है, यानी बगास से बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है, तो नेचुरली गाँव में रोजगार निर्माण हुए, इम्पोर्ट बचा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन प्योर इंडिजिनस। फिर इथेनॉल के बाद हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन 3 प्रकार का है, एक है ग्रीन हाइड्रोजन जो पानी से और ऑर्गेनिक वेस्ट या बायोमास से बनता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, जो पेट्रोलियम से बनता है ब्राउन हाइड्रोजन है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में कोयला पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल यूज होता है, अब वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन होगा। गडकरी जी, आपने नेटवर्क 18 के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।